कौन था वो दिया? उसका नाम क्या था? नाटक मत करो मेरे साथ, बताओ कौन था वो? क्या बोले जा रहे हैं अमित? उससे क्या पूछ रहा है? पूछना है तो जाकर पुलिस से पूछ। ये तो बेचारी खुद ही डरी हुई है। हाँ, डरी हुई है माँ, ये बात आपने सही कही। दिया डरी हुई है क्योंकि उसे पता है उसकी पोल खुल जाएगी। वो जानती है वो लड़का कौन था? ये वही लड़का था ना जिससे तुम्हारी शादी तय हुई थी, जिसे छोड़कर तुमने अर्जुन से शादी की। पापा मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था। पर दिया, बात तो सोचने वाली है। देखो, तुम इस घर में नहीं आई हो, पर उस आदमी ने सबको छोड़कर तुम पर ही क्यों अटैक किया? हाँ, वो जो कोई भी था उसका इंटेंशन पैसा तो डेफिनेटली नहीं था। फिर क्या कारण हो सकता है उसका तुम पे अटैक करना? सी दिया, आई नो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू, मगर अगर ऐसी कोई भी बात हो जो तुम छुपा रही हो, जो तुम्हें बॉदर कर रही है, तो प्लीज हमें बता दो। इसी में तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। टीना, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन था। झूठ, मुझे यही नहीं समझ आ रहा तुम झूठ क्यों बोल रही हो। क्यों नहीं सच का सहारा ले रही हो तुम? वो यूं ही तुम पर क्यों अटैक करेगा बिना किसी रीजन के? जरूर उसके साथ तुमने कुछ गलत किया होगा, उसी का बदला लेने वो यहाँ तक पहुँच गया। अब सच बताओ कि क्या है, कौन था वो? पापा मेरा यकीन करो, मैं सच में नहीं जानती वो आदमी कौन था। यकीन करूँ वो भी तुम पर, जिसने शादी वाले दिन अपने होने वाले हस्बैंड को छोड़कर अर्जुन से शादी कर ली? उस पर यकीन करूँ मैं? न जाने उसके पहले तुमने किन किन को छोड़ा होगा। लेकिन यही सच्चाई है, तुम जैसे मिडिल क्लास लोग अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। पापा, आप ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं मुझ पर? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, पर प्लीज मेरे चरित्र पर उंगली मत उठाइए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? माना कि आप दिया को इस घर की बहू नहीं मान सकते, मगर उसके कैरेक्टर पर आप इस तरह उंगली नहीं उठा सकते। देखिए, एक लड़की को सबसे ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है, और बिना कुछ जाने समझे हम उस पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते। बहू ठीक कह रही है अमिताभ, या पर इतने घिनौने इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। दुर्गा पूजा के दिन घर की लक्ष्मी पर इतने इतने सवाल उठाना, हे माँ दुर्गा हमें माफ करना। पर आंटी, आप ये भी सोचिए ना कि अटैक दिया पर ही क्यों हुआ। देखो बेटा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर दिया कह रही है कि वो उस आदमी को नहीं जानती, तो हमें उसकी बात का यकीन करना चाहिए। ठीक है माधुरी, फिर तुम मुझे समझाओ कि एक अनजान व्यक्ति कि अग्रवाल मेंशन में आता है जहाँ इतने सारे मेहमान हैं, लेकिन वो अटैक करता है दिया पर क्यों? अगर वो दिया को ना पहचानता, उसके साथ को रिश्ता ना होता, तो क्यों करता ये काम? मैं बताता हूँ,